हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज मैं करवाने वाला हूँ वर्क एनर्जी पावर के जो क्वेश्चन कर रहे थे हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि टू पार्टिकल है और इन दोनों का मास अलग अलग है, M1 और M2 दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज गिवन। दो पार्टिकल है, एक बार क्वेश्चन यहाँ पे समझा दे देता हूँ, ठीक है, कि दो पार्टिकल है, एक का मास M1 है और दूसरे का मास M2 है, ठीक है, और इनकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है, U1 है और U2 है, ठीक है, ये अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं। ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल एक्साइटेड टू हायर लेवल। अब देखो जो है टू पार्टिकल M1 M2, अब जब कोलिजन हुआ, ये तो कोलिजन से पहले की बात है, कोलिजन से पहले इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, जब कोलिजन हुआ तो उनकी वेलोसिटी बदल गई होगी यार, क्या हो गई होगी, V1 V2 ऐसा क्वेश्चन में बताया गया होगा। साथ साथ कोलिजन के बाद एक और इंसिडेंट हुआ है कि आफ्टर ऑब्जॉर्बिंग एनर्जी ई, ठीक है, आफ्टर ऑब्जॉर्बिंग एक्सटर्नल एनर्जी। देखो जब दोनों का कोलिजन हुआ तो उनकी जो वेलोसिटी है वो V1 V2 हो चुकी, लेकिन अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी भी इस सिस्टम में ई जुड़ रहा है, ठीक है। ऑन कोलिजन वन ऑफ द पार्टिकल गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल आफ्टर एनर्जी अब्सॉर्बिंग ई। तो ई एनर्जी एक्सटर्नल अब्सॉर्ब करने के बाद ये कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा, ठीक है। तो चलो एनर्जी कंजर्व करा दो, टोटल एनर्जी इनिशियली लग लेते हैं, तो टोटल एनर्जी इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनली। टोटल एनर्जी इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनली। तो टोटल एनर्जी इनिशियली हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इसका मैं लिखूँ तो फाइनल एनर्जी लिखूँ तो हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर और प्लस एनर्जी हमने ई ऐड कर दिया, ठीक है ना, एक्सटर्नल एनर्जी ई। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वही मुझे चेक करना, उस ई को इधर लेके आओ तो ये बनेगा फर्स्ट ऑप्शन सही है। कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में, एनर्जी कंजर्व करा दो, ठीक है, एनर्जी कंजर्व करा दो, इनिशियल एनर्जी फाइनल की एनर्जी हो, ये प्लस एक्स्ट्रा ई ऐड हुआ कोलिजन के बाद, ठीक है, आसान सवाल था। द बेस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड अपॉन द टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। चलो ये कहता है टू सिमिलर स्प्रिंग पी एन क्यू हैविंग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के एंड पी। दो स्प्रिंग है, दोनों सिमिलर है, ठीक है, एक स्प्रिंग है और ये भी एक स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग सिमिलर है, एक का नाम पी है एक का नाम क्यू है, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के पी है, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के क्यू है, ठीक है। दे आर स्ट्रेस द सेम अमाउंट, ठीक है, दे आर स्ट्रेस बाय द सेम अमाउंट, मतलब इसमें इनको इलोंगेशन सेम है। इसमें दो केस है, केस ए कहता है केस ए में हमने सेम इलोंगेशन जनरेट किया और केस बी में हमने सेम फोर्स लगाया, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग हमें कंपेयर करना है, समझ रहे ना, दो केस है, एक बार मैंने इन दोनों में सेम इलोंगेशन किया, एक बार सेम फोर्स लगाया, तो दोनों में वर्क डन में कंपैरिजन करना है। तो चलो एक एक केस पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट है सेम इलोंगेशन वाला, ठीक है, केस फर्स्ट है वो सेम इलोंगेशन, ठीक है। चलो अगर इलोंगेशन सेम है तो वो देखते हैं, तो स्प्रिंग का वर्क डन आप सबको पढ़ के आए होगे, स्प्रिंग का वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर है। अगर देखो वर्क डन, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट तो सबका अलग अलग है, दोनों का अलग अलग है, ठीक है, और इनमें कंडीशन भी दिया हुआ कि कौन ज़्यादा बड़ा है, के पी, जो कि पी वाला स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग है, उसका के पी इज ग्रेटर देन KP is greater than KQ। और अगर इलोंगेशन सेम हुआ तो वर्क डन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि वर्क डन पहले केस में P में ग्रेटर होगा वर्क डन Q में, ठीक है, जितना स्ट्रांग स्प्रिंग होगी, तगड़ी होगी स्ट्रांग, K जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रांग स्प्रिंग होगी, तो उसमें वर्क डन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा सेम इलोंगेशन के लिए, ठीक है ना, फिजिकल, मतलब KP is greater than KQ, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला पार्ट हमें करने की ज़रूरत, एक अभी सही नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगर दूसरा करना भी चाहते हो तो चलो कर ही लेते हैं, अगर मैं सेम फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, चलो अब देखो सेम फोर्स, केस टू पार्ट है सेम फोर्स, अगर मैं इसको सेम फोर्स लगाता हूँ,
सेम फोर्स लगाता हूँ, तो चलो सेम फोर्स लगाते हैं। तो अगर मैं इसको सेम फोर्स लगाता हूँ तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स। अगर फोर्स सेम है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर्स अपॉन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के। ठीक है, अब वर्क डन लिखो। तो अब जब वर्क डन लिखोगे तो वर्क डन क्या होगा, हाफ के एक्स का स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब हाफ के और एक्स का स्क्वायर मतलब फोर्स का स्क्वायर अपॉन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन टू के, दैट इज द वर्क डन। ठीक है, अब यहाँ से मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है दोनों के लिए, और टू और के में कंपैरिजन कर सकता है। इसका मतलब इस बार स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होगा उसका वर्कडन कम होगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट पी का ज़्यादा है इसका वर्कडन कम है। मतलब दूसरे केस में वर्कडन ऑफ पी इज लेस देन वर्कडन ऑफ क्यू, जो कि ए ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, है ना, बराबर है। चलो, वर्कडन इन क्यू इज ग्रेटर देन, मतलब ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, बहुत सारे क्वेश्चन है। कहता है ए बॉडी ऑफ मास एम लाइंग इन एक्स वाई प्लेन एट रेस्ट सडनली एक्सप्लोडेड इनटू थ्री पीसेज, टू ईच ऑफ मास एम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बी टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड टू एक्सप्लोजन। देखो, अब देखो ये एक पार्टिकल है जिसका मास 4m था, एक्स वाई प्लेन में था। इमेजिन कर लो ये एक्स वाई प्लेन है, बोर्ड ए एक्स है और वाई है, और ये एक मास है जो ऑलरेडी 4m का है। ठीक है, दिस इज द मास 4m। ठीक है, ये जो मास है वो 4m है। ठीक है, अब ये एक्सप्लोजन हुआ, मतलब ये फूट गया, टूट गया, बम इमेजिन कर लो कि एक बम है जिसका मास 4m है, इसमें से दो छोटे छोटे पीस जो बने वो एक्चुअली परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। चलो, तो दो जो छोटे पीस है, मान लो एक छोटा पीस इधर जा रहा है जो m है, और एक छोटा पीस इधर जा रहा है जो उस ओ भी एम है। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं 90 डिग्री पर। इच स्पीड वी, हर एक की स्पीड जो है, इसकी स्पीड वी है और इसकी भी स्पीड वी है। चलो, तो इक्वल स्पीड, देन टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इन दिस एक्सप्लोजन। अब इसमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला जाए, ये जो कोलिजन हम पढ़ते हैं तो बेसिकली ये एक अलग टाइप का कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, सुपर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है भाई, इलास्टिक कोलिजन क्या था, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इन इलास्टिक में घट जाती है, परफेक्टली इन इलास्टिक बहुत कम हो जाती है, और एक सुपर इलास्टिक कोलिजन जिसमें बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली जीरो थी, फाइनली बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी मैं तब तक नहीं निकाल पाऊंगा जब तक मुझे तीसरा वाला पीस, ठीक है, किधर जा, वेलोसिटी नहीं पता, तीन पीस हुए ना, हाँ तीन पीस हुए, जब तक मुझे तीसरे वाले की वेलोसिटी नहीं पता होगा। तो देखो, एक तो बात हमें पता है कि वेलोसिटी नहीं पता है, क्या तीसरा पीस किधर जाएगा आप बता सकते हो, तीसरा पीस जाएगा मोमेंटम कंजर्वेशन से, इन दोनों का जो नेट मोमेंटम है, ये मोमेंटम एम बी बना और ये मोमेंटम एम बी बना। ठीक है, तो नेट मोमेंटम इधर रूट टू एम बी आ गया, रूट टू एम बी आ गया, जो कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर होगा। अब ये इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए, तो इसलिए जो तीसरा वाला पीस है वो नेट मोमेंटम जीरो होने के लिए तीसरा वाला पीस यहाँ से 45 डिग्री पर वो इधर की डायरेक्शन में जाएगा, इधर की डायरेक्शन में जाएगा 45 डिग्री पे, जिसका मास होगा 2m और जिसकी स्पीड होगी वी डैश, जो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व करा के हम स्पीड भी निकाल लें, मोमेंटम कंजर्व करा दें, देखो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो था, तो फाइनल जीरो तभी होगा जब ये मोमेंटम इसको कैंसिल करेगा, 90 डिग्री पर टू मोमेंटम, तो ये 90 डिग्री पर टू मोमेंटम टू एम बी, और इधर की मोमेंटम कितना हो गया, इधर का मास 2m, इधर की वेलोसिटी वी डैश। ठीक है, तो m ने m को खत्म कर दिया, तो वी डैश का मतलब वी डैश की वैल्यू आ जाएगी रूट टू वी अपान रूट टू वी अपॉन टू, दिस इज द व्हाट वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पीस, जो थर्ड वाला पीस है वो इधर जाएगा 45 डिग्री पे और इतनी स्पीड से जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी कितना जनरेट हुआ उसको लिख लो, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इन दिस पार्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर पहले वाले का, हाफ एम बी स्क्वायर दूसरे वाले का, और तीसरे वाले पीस का हाफ एम एम नहीं हाफ 2m और v स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2v स्क्वायर बाई 4।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर ने इस फोर को खत्म कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 3 MV² / 2 दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इन दिस एक्सप्लोजन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट, ये देखो इस टाइप के काफी बार क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो लगभग सभी लोग कर सकते हैं जो नीट का तैयारी कर रहे हैं। एक यूनिफॉर्म फोर्स है एक्ट ऑन ए पार्टिकल 2 kg का बॉडी है, उसमें फोर्स लग रहा है और बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो हमें वर्क डन निकालना, वर्क डन कैसे निकालते हैं यार ऐसे केस में, चेंज इन पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन। क्या होता है वर्क डन? होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i cap + j cap, हमें निकालना क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर पहले पार्टिकल यहाँ था और घूमते घूमते यहाँ आ गया यार, ठीक है, ये इनिशियल था। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 है जो कि दिया हुआ है यहाँ पे, और फाइनली r2 पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो ये वाला होगा जो येलो से बनाया हूँ Δr। और चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज हमेशा निकालते हैं फाइनल में से इनिशियल, मतलब r2 पोजीशन वेक्टर -r1 पोजीशन वेक्टर। तो r2 पोजीशन वेक्टर क्या है भाई, तो r2 पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन टू फाइनल, फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और इसमें मैं माइनस कर दूं 2i cap + j cap, ठीक है, 2i cap - 2i cap और प्लस के कैप, ठीक है। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो 4i cap में से 2i cap आ गया, और प्लस 3j cap वाला तो कोई है इसका है ही नहीं यार, और ये माइनस के, ये माइनस के और माइनस 2k cap, ठीक है। दिस इज वॉट चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर अगर जीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है भाई, उसी को तो बोलते हैं। अब इसमें से इसके साथ डॉट ले लो, डॉट लेने सबको आता होगा, i का i j का j k का k। फोर्स कितना है, चलो फोर्स है इधर 3i cap + j cap, इसके साथ मैं किसका डॉट ले लूँ, इधर जो निकाला हूँ 2i cap + 3j cap - 2 k cap। ये वेक्स क्या है, वेक्टर का क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो ये आ जाएगा i का i 6 j का j 3, ठीक है, और k का 0, तो ये 9 जूल जो है वो सोल्यूशन सही है कोई, हाँ मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये कहता है, ये देखो ये एक बहुत बेहतर क्वेश्चन है, अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हो तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली नीट और जेई मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल यू दिया हुआ, अब पोटेंशियल एनर्जी समझना है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा समझने वाला है। a/r² - b/r, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन, ए भी कोई कॉन्स्टेंट है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है। आर इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। चलो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन है तो जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम दैट इज फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, फोर्स जीरो होता है -du/dr दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि du/dr है तो दैट इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है इक्विलिब्रियम। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पहले इक्विलिब्रियम कहाँ है यार, पहले इक्विलिब्रियम देख लो तब तो बाद में पता करोगे स्टेबल है अनस्टेबल है न्यूट्रल है, ठीक है। तो पहले मैं इक्विलिब्रियम देख लेता हूँ, तो इक्विलिब्रियम देखने के लिए इसको du/dr एक बार r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो d/dr और u, a/r² - b/r दैट इज इक्वल टू जीरो। तो किस r के लिए इक्विलिब्रियम है, ठीक ना, जैसे जैसे पोजीशन बदलेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, तो एक पर्टिकुलर स्पेशल r पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और वहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो वो
पहले इक्विलिब्रियम चेक कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस टू ए अपन आर की पावर क्यू आता है ना, सबको डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस प्लस बी और आर स्क्वायर दैट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बी अपन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए अपन आर की पावर क्यू, मतलब आर इज इक्वल टू टू ए अपन बी। वो ए स्पेशल आर है जिस पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। दिस इज द आर, दिस इज आर, दिस इज आर पोजीशन एट विच फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता है कि वह इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वैसे तो ये एक ही दिया हुआ है, मतलब बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम इसी पे मिल रहा है तो अब ये स्टेबल है ऐसा क्वेश्चन में बताया गया, मतलब बी ऑप्शन सही है। तो आप इसको एक बार और एक स्टेप और करके चेक कर सकते हो कि क्या इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो स्टेबल अनस्टेबल कैसे चेक करते हैं, ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल चेक करने के लिए इसी को डबल डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको पता होगा कि डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर यू अपन डी आर स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो अनस्टेबल के लिए, ठीक है, लेस देन जीरो, न्यूट्रल के लिए इक्वल टू जीरो, तीन टाइप का था। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, डबल डिफरेंशिएशन एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद इतना आया है, ठीक है, तो एक बार अगर डबल डिफरेंशिएशन इसका जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तभी यह स्टेबल इस डिस्टेंस के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो डी 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 ओवर डी आर और एक बार डबल डिफरेंशिएशन इसको माइनस टू ए दैट इज आर की पावर क्यू और प्लस बी ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो यह जाएगा माइनस ए माइनस माइनस प्लस सिक्स सिक्स ए अपन आर की पावर फोर और ये माइनस 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 टू बी ओवर आर की पावर थ्री माइनस टू बी ओवर आर की पावर थ्री। अब ठीक है, आर की वैल्यू रखोगे यहाँ तो इसको सॉल्व करो तो आर की वैल्यू रखोगे तो आर की वैल्यू देख रहे हो, आर की वैल्यू टू डबल डिफरेंशिएशन प्लस सिक्स ए और आर की वैल्यू रखोगे यहाँ, आर की वैल्यू रखोगे तो फोर ये सिक्सटीन ए स्क्वायर, सिक्सटीन ए स्क्वायर दैट इज द बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16 ए की पावर 4 बी की पावर 4 और 2 बी और आर की पावर क्यू, आर की पावर क्यू मतलब इसका पावर क्यू, मतलब यह आ जाएगा 4, ठीक है, 8 ए की पावर क्यू एंड बी की पावर क्यू, ठीक है। तो समझना, तो ए की पावर भी बी की पावर क्यू, इसका मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा ए की पावर क्यू, ठीक है, और बी की पावर फोर, बी की पावर फोर, ए की पावर क्यू और 16 और एट, हाँ, और ए टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर कुल मिला के पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, कुल मिला के देखो इसको सॉल्व कर लो, ए ए बी की पावर फोर बचा, बी की पावर फोर बचा, टू अपान एट और सिक्स अपान 16 और टू से मल्टीप्लाई कर दो तो कुल मिला के पॉजिटिव आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके इक्विलिब्रियम हुआ है और वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है। डबल डिफरेंशिएशन से चेक करते हैं स्टेबल न्यूट्रल और, ठीक है, मतलब ये हुआ कि सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो, कहता है एक सॉलिड सिलेंडर है, एक हम लोग के पास सिलेंडर है, ठीक है, और वो रोल कर रहा है, सिलेंडर रोलिंग मोशन कर रहा है, सिलेंडर हमारे रोलिंग, रोलिंग क्या होता है भैया, आगे भी जाना और ट्रांसलेट भी करना और रोटेट भी करना, मतलब दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी है सिलेंडर के पास। उसकी जो लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है, इट कोलाइड विद ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फोर्स कॉन्स्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर, मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। अब आपको ये बात समझना है, सिलेंडर, देखो सिलेंडर, अब मैं यहाँ
सिलेंडर, ये एक स्प्रिंग, हॉरिजेंटल स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और इस तरह से हॉरिजेंटल स्प्रिंग है और यहाँ से एक सिलेंडर रोल करते आ रहा है। सिलेंडर को मैं सामने से देख रहा हूँ, ये ओमेगा से घूम भी रहा है और वी वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है, रोल करते आ रहा है सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर है, रोल करते आ रहा है, जब ये इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, जिसकी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। अब देखो ये बेसिकली क्या है, ये रोटेशन, रोटेशन की एनर्जी से भी लग सकता है और ये वर्क एनर्जी का ही है, ठीक है। तो अब जब अगर ये स्प्रिंग, अगर ये इसे कोलिजन करता है तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और साथ साथ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तभी तो रोलिंग बनता है। और ये दोनों की दोनों काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वहाँ से मुझे मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग आ जाएगा। तो स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगी, तो स्प्रिंग मान लो एक्स कंप्रेस हो गई, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर। अगर सिलेंडर रोल करा तो उसके पास दो टाइप की काइनेटिक है, ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा। अब जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क के इक्वल होता है एम आर स्क्वायर बाई टू और ओमेगा, ठीक है, ओमेगा एम आर स्क्वायर बाई टू, भी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, ठीक है, तो भी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भी स्क्वायर अपन आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर को काट दिया, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एम बी स्क्वायर बाई फोर इधर बचा और इधर टू, मतलब यह आ जाएगा थ्री एम बी स्क्वायर, थ्री एम बी स्क्वायर बाई फोर, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम कंप्रेशन चाहिए हम लोगों को, तो मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में मैं क्या करूँगा, इसको टू से टू काट दिया, ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी थ्री एम बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर थ्री एम बी स्क्वायर और टू के अंडर रूट, दैट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन। अब सभी वैल्यू डाल दो यार इसमें, थ्री की वैल्यू, मास कितना था, मास सिलेंडर का मास 3 केजी था, स्पीड 4 था, स्प्रिंग कांस्टेंट 200 था, मास 3 केजी था, ठीक है, स्प्रिंग स्पीड 4 था, 16 हो गया और ये और मल्टीप्लाइड बाई 200 इज इक्वल टू 400, तो फाइनली जो मुझे मैक्सिमम कंप्रेशन मिलेगा वो, इसको काट कुट काट उठ लो यार, ठीक है, ए 4 4 ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 9 4 36 36, ठीक है, 36 अपन 100, मतलब ये आ जाएगा 0.6 meter, 0.6 meter जो है वो एक्चुअली कंप्रेशन हुआ होगा, ठीक है, 0.6 meter है कोई, हाँ, ये मतलब हम लोगों के पास बी ऑप्शन सही है, दिस वन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन सही है।